Anisha Bhattacharya and she is my friend sister Fritisha Bhattacharya. So we will be learning today on the concept of peer tutoring. तो पहले हमें भी इस चीज के बारे में पता नहीं था, हम नॉर्मल ही पढ़ते थे, पर जब हमें इस चीज के बारे में पता चला तो इसने हमारी बहुत मदद की एक दूसरे से इंटरेक्ट करने में और ज्यादा समझने में. सो टुडे वी विल बी लर्निंग केमिस्ट्री. थैंक यू. हेलो एवरीवन. सो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक वैलेंसी के बारे में. तो मैंने पीरियोडिक टेबल के पहले 10 एलिमेंट्स बोर्ड पे लिख दिए हैं और आज हम उनका पूरा वैलेंस का चार्ट पढ़ेंगे एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक में. सो दिस फर्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर. सो ये आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं बिकॉज इट इज वेरी इजी. आप इसको बस एक सीरियल नंबर समझिए. सीरियल नंबर जैसे यहां पर होता है, जैसे कि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम सेकंड एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 है. तो इसको याद करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सीरियल नंबर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आते हैं हम मास नंबर की ओर. मास नंबर के लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपके लिए चुनी है, इवन एंड ऑड. देखिए ये एटॉमिक नंबर से ही रिलेटेड है. देखो हाइड्रोजन का तो कुछ है नहीं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हो, मास नंबर हो या वैलेंसी हो, सब एक वन ही है. तो हम हीलियम से शुरू करेंगे. हीलियम का जब एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इज व्हाट, इवन और ऑड? इवन. सो 2 इज अ इवन नंबर तो उसके लिए करना पड़ेगा इंटू 2. सो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4. सो 4 इज द मास नंबर ऑफ हीलियम. अनदर थर्ड एलिमेंट इज लिथियम. अब इवन और ऑड के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, पर करना उसमें मल्टीप्लीकेशन है, पर कुछ एक्स्ट्रा भी है स्टेप्स जो आपको ऑड में कंटेन करने होंगे. सो 3 इज अ ऑड नंबर. 3 के लिए हमें मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, साथ ही उसको प्लस 1 भी करना इंटू 2 प्लस 1. सो 3 इंटू 2 6 होता है और 6 प्लस 1 होता है 7. सो ये बड़ा आसान सा ट्रिक है बार यूज के साथ. 5 into 2 10 plus 1 11, 6 into 2 12, 8 into 2 16, 9 into 2 18 plus 1 19, 10 into 2 20. अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस फॉर्म को प्रेफर नहीं करते, जैसे कि यहां पर मैंने वहां स्टार्ट किए दे रखा है, जैसे कि हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है दैट इज एन ऑड नंबर, पर फिर भी उसका मास नंबर 1 है बिकॉज इट हैज एन एक्सेप्शन. नेक्स्ट इज बेरिलियम. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो साइंटिफिकली वो उसको इवन अगर है तो उसको इंटू 2 करना पड़ेगा, और यहां पर इंटू 2 प्लस 1 भी है, सो दैट्स व्हाई इट बिकेम एन एक्सेप्शन. नेक्स्ट है नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, जिसके हिसाब और इस ट्रिक के हिसाब से उसका मास नंबर 15 आना चाहिए था, लेकिन वो है 14. दैट्स इट इज आल्सो एन एक्सेप्शन. तो बस और अगले बस में आते हैं हम वैलेंसी की तरफ. वैलेंसी को या वैलेंस का जो पूरा टेबल है 20 एलिमेंट्स याद रखने के लिए एक और ट्रिक है. हाइड्रोजन का तो वो सब सेम ही है, 1. हीलियम का कैसे 0? तो आपको एक रिपीटेड फॉर्म में इसको याद रखना है, जैसे कि ये शुरू होता है 1 से ही, और उसके बाद हम लेंगे 0. सिर्फ 0 1 के पहले आता है, पर इस फॉर्म में हम लेंगे उसको 1 के बाद में. 1 को हम कुछ और ही समझते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं हम हीलियम से. हीलियम से हमने स्टार्ट किया तो 0 के बाद क्या था, फिर से 1.
वन, उसके बाद आता है टू, फिर आता है थ्री और फिर आता है फोर, लेकिन हमको उसके बाद फाइव नहीं लिखना है। फोर के बाद हमें वापस वो फॉर्म रिपीट करना पड़ेगा, मतलब हमें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, रिपीटेड फॉर्म मतलब फिर से थ्री लिखना है, फिर टू लिखना है, फिर वन लिखना है, फिर जीरो, और फिर ऐसे ही वन टू थ्री फोर, फोर थ्री, थ्री टू वन, वैसे ही हम इस वैलेंसी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स याद रख सकते हैं इस सिंपल से ट्रिक से। तो ये तो थे पहले के टेन एलिमेंट्स। फर्स्ट हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर के बारे में, जो कि बताया कि वो आप उसको सीरियल नंबर के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। सेकंड इज मास नंबर। मास नंबर का एक बड़ा सा अच्छा ट्रिक हमने बताया कि जो भी इवन है उसको आप इंटू टू कीजिए और जो भी ऑड है उसको आप इंटू टू प्लस वन कीजिए, और जो एक्सेप्शन है उसको मैंने स्टार मार्क करके रखा है, हाइड्रोजन, बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। सो और नेक्स्ट है वैलेंसी। वैलेंसी का भी हमने एक बहुत अच्छा ट्रिक दिया, आप वन को एक शुरुआत मान लीजिए और वापस से शुरू कीजिए जीरो से, जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर से वापस बैक काउंटिंग होगी, तो है जो है फोर थ्री टू वन जीरो, और जीरो के बाद फिर से यही फॉर्म रिपीट होगा। सो इसी तरह से इस ट्रिक से आप वैलेंसी को तो याद रख सकते हैं, साथ ही साथ आप मास नंबर को याद रख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस को भी याद रखिएगा, अगर आपने ये इसको याद नहीं रखा तो आपको वो गलती हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा फर्स्ट टेन एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बारे में, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टेन एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सो फॉर दिस थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स।